दोस्तों, अगर आपको यह नौ संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। इस संपूर्ण जगत में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह संसार के कण कण में विद्यमान हैं। यह बात सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे लोगों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं तथा औरों की सहायता करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन लोगों के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? नमस्कार दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह जान सकते हैं कि कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ तथा अहंकार जैसे दुर्गुण नहीं होते, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति व्यभिचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना ना रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोषी व्यक्ति होते हैं, अर्थात कि उन्हें किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उन्हें जितना प्राप्त होता है उसमें वह स्वयं ही संतुष्ट होते हैं। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार दर्शन होता है, भगवान का बार बार दर्शन होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष संकेत भी दिखाई दे सकते हैं जिनमें वह व्यक्ति समझ सकते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उनके साथ हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करते हैं और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होते हैं, तो उन व्यक्तियों के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र पहरा होता है जिसके कारण उन्हें ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कर्म और पुण्य के काम करते हैं और परेशानी में फंसे लोगों को एवं गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं और कष्ट के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा निर्धन और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिन व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों के अंदर ही विशेष गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा संकेत, भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास, अर्थात भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठवां संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ महसूस होना, यह उनके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का
संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। सातवां संकेत, कहा जाता है कि ईश्वर का समय जिसमें सोकर जग जाना चाहिए और बिस्तर से उठ जाना चाहिए वह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 तक का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न मन से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्ति करती हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई होती है। आठवां संकेत, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन करते हैं या कथा सुनने जाते हैं, लेकिन वह चाहे कितना भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, हमारा बीच बीच में ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के बारे में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता, उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का ही अनुभव होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही होती हैं। नौवां संकेत, जो लोग ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करते हैं और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानते हैं, वह कभी दुखी नहीं रह सकते और ना ही किसी को कभी दुख दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते। यह भगवान से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं और उनकी ख्याति प्रसिद्धि बढ़ती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।